2020 से हमने शुरू किया था, वो कोरोना काल था और बहुत मुश्किल थी, कोई रामलीला हो नहीं रही थी। बड़ी विशेष परिस्थितियों में हमें अनुमति मिली थी और बिना दर्शकों के वो रामलीला हमने की। 2021 में, 22 में और ये 23 में हमारी होने वाली है। दूरदर्शन से सीधा लाइव होगा और जैसे आपको जानकारी है, करीब 25 करोड़ लोगों ने पिछली बार रामलीला को देखा था। इस बार हमारा लक्ष्य है कि और ज़्यादा लोग रामलीला देखें और उसमें आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान रहने वाला है। आप जितना ज़्यादा जानकारी देंगे उससे हमारे दर्शक और ज़्यादा बढ़ेंगे, इसलिए आज की ये कार्यक्रम रखा है। हमारे बीच में भगवान श्री राम का रोल करने वाले जो हमारे बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, भाई राहुल बुचर जी, जो पिछले 3 साल से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, अब चौथी बार रोल करेंगे। रितु पुरी जी माँ कौशल्या का रोल करने वाली हैं। बनवारी लाल जी परशुराम का रोल करने वाले हैं और बहुत सारे अन्य कलाकार हमारे साथ जुड़े हैं जो रामलीला में भिन्न भिन्न रोल करेंगे। एक बहुत अच्छी रामलीला का आयोजन होगा। और दुनिया को सिर्फ हर साल एक ही संदेश देता हूँ और आज भी एक ही संदेश दूंगा कि अच्छाई और बुराई सब हमारे अंदर ही है। राम भी तुम में है, तुम में ही रावण, दोनों तुम्हारे। अब किससे तुमको क्या लेना है, ये निर्णय है तुम्हारे। प्रजा, इट इज अबाउट द मैसेज दैट यू वॉन्ट टू ट्रांसपायर। एंड हमारी रामलीलाओं से, हमारे मंचन के माध्यम से अगर आप एक अंश भी रामचरितमानस का अपने अंदर ले पाए और उसको अपनी निजी जिंदगी में उसको एक्सपीरियंस करें, उसको प्रैक्टिस करें, उसको एक्सरसाइज करें, तो आई थिंक हमारा जो रामलीला का मंचन है वो सफल हो जाएगा। क्योंकि इस रामलीला के मंचन में कभी ये मन के अंदर विचार नहीं रहता कि इससे हमने क्या कमाया। इससे हम में से कोई कुछ कमाता नहीं है, मैं आपको सच बोल रहा हूँ। मैम को हम कब से देख रहे हैं टीवी पे, हम इनके कितने बड़े फैन हैं, यू कांट इवन इमेजिन। कितने भी जो बॉलीवुड के स्टार्स आते हैं हम उनके कितने बड़े फैन हैं। हम उनको किसी भी कीमत पे एक दिन के लिए मंचन करने के लिए हम वी आर नोबडी टू अफोर्ड देम। हम उनको वो पैसा नहीं दे सकते जो उनकी एक्चुअल एक डिमांड होती है। लेकिन जब वो ये देखते हैं, जब इस टाइप के बॉलीवुड स्टार्स या बड़े बड़े नेता जब ये चीज़ देखते हैं कि हमारे अंदर कितना सदाचरण है और कितनी विनम्रता से हम श्री राम की सेवा कर रहे हैं, तो वो बिलीव मी, मैं सच बोल रहा हूँ दिल की गहराई से, कि पैसा फिर माध्यम नहीं है या पैसा उनका जो मूल मंत्र है वो पैसा नहीं होता। तो हम उससे कुछ कमाने की नहीं, हम ये चाहते हैं सोसाइटी को क्या दे, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। अभी राहुल जी ने मतलब बोला कि ये बॉलीवुड के सब फैन हैं, जिस तरह ये बात करते हैं और जिस तरह ये हर चीज़ को जाहिर करते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी, मैं आज तक बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस पे गई हूँ, बहुत लोगों के साथ मैंने वार्तालाप किया है, बहुत लोगों के बीच हम लोगों ने बातें की हैं, आई डोंट थिंक कि मैंने कभी किसी को इतना प्यारा बोलते हुए सुना है। मैं इनकी फैन हो गई एंड मैं एक्चुअली 2020 में मैं रामलीला के लिए उन्होंने मुझे डेट ली थी और मुझे कोविड हो गया, तो मतलब मैं कर नहीं पाई। बट आई हैव डन रामलीला ट्वाइस इन दिल्ली, जब अयोध्या में नहीं थी, दिल्ली में जब करते थे तो दो बार लाल किले पे करते थे, तो दो बार मैं आ चुकी हूँ बॉबी जी के लिए। एंड एक और बात बहुत सही बोली राहुल जी ने कि जो लोग आते हैं, जो लोग इनसे जुड़ते हैं, वो इनके स्वभाव के वजह से, इनकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हर चीज़ को इतनी बेहतरीन तरीके से करते हैं, किसी चीज़ को हैपहैज़र्ड छोड़ते नहीं हैं, इनकम्प्लीट नहीं छोड़ते हैं। हर आर्टिस्ट का इतना प्यारा इनका व्यवहार है और मतलब बहुत इज्जत और प्यार से हर आर्टिस्ट को अपने अपना हर आर्टिस्ट को एक दर्जा देते हैं, जो मतलब हमको ऐसा लगता है कि पता नहीं हम कौन हैं। तो इंसान कहीं भी जाता है तो पहली चीज़ वो देखता है कि आपको इज्जत कितनी दी जा रही है, आपका दर्जा कुछ भी हो इंडस्ट्री में या कहीं भी ज़िंदगी में, आप पहले वहीं जाओगे जहाँ आपको इज्जत और सम्मान ज़्यादा मिलता है। तो ये इनकी इतनी अच्छी बात है कि ये सबको इतने प्यार से रखते हैं। आप लोग, मैं ये
अगेन आई हैव टू सेकंड हिम ऑन एवरीथिंग दैट ही हैज सेड कि इतने मैंने इतनी संख्या में कभी प्रेस देखी नहीं कहीं भी. और अब तो टिकट भी आ रहे हैं तो वहाँ भी बातें करेंगे और आप लोग इन्जॉय करेंगे. एंड इट इज़ अ स्पेक्टिकल क्योंकि जिस मतलब जैसी संख्या में लोग आते हैं देखने. एंड मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगी बिफोर आई टेक क्वेश्चंस. आई हैव 16-year-old ट्विंस. मेरी बिटिया यहाँ पे है समारा मेरे साथ आई है दिल्ली. तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे हमारी संस्कृति हमारी कहानियाँ जहाँ हमारे जो जड़े हैं उनको समझें. नेटफ्लिक्स देख के मैंने मेरे बच्चों को मेरे बच्चे आज तक मतलब 16 साल के मुंबई में पले बड़े हैं बट आँख में आँख मिला के मुझसे बदतमीजी कभी आज तक उन्होंने की नहीं क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे हैं हमारे घर में हमारी परवरिश ऐसी हुई है. तो ये रामलीला के थ्रू इट्स अनदर स्टोरी इट्स अनदर वे टू एक्सप्लेन टू योर चिल्ड्रन कि भाई ये हमारी जड़ें हैं और हम यहाँ के लोग हैं. आप जितना भी नेटफ्लिक्स देख लो अमेजोन देख लो संस्कृति हमारी ये है और हम परिवार को इज्जत और प्यार जो देते हैं दिस इज़ एक ये माध्यम है वो बताने का. सो इससे अच्छी कोई चीज़ हो नहीं सकती मेरे लिए. तो आई विल वॉन्ट माई चिल्ड्रन टू डेफिनेटली नो एंड कनेक्ट विद ऑल आर स्टोरीज मोर देन यू नो. सो पूरा वेस्ट आज हमारे को कॉपी कर रहा है यहाँ पहले वहाँ के लोग आप बोलते हैं नमस्ते 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 तो मतलब हमें वो नहीं भूलना है.